नमस्कार सुमन जी हमारे साथ हैं जो कुंडली सोनीपत हरियाणा से हमारे पास आए हैं। इनको स्लिप डिस्क यानी PIVD की प्रॉब्लम है और आज इनका हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी प्लान कर रहे हैं। सुमन जी एज कितनी है आपकी? 42। और ये तकलीफ कब शुरू हुई आपको? मेरे को 4 साल पहले हुआ था सर। 1 साल 2 साल फिजियोथेरेपी दवाई से तब गया था सर, बट अब 4 महीने से प्रॉपर बैठ गया। शुरुआत कैसे हुई? मतलब कमर में दर्द था या टांग में शुरू हुआ? नहीं सर, पहले मेरे ना कमर में अड़का सा दर्द हुआ था सर, फिर बढ़ता चला गया। आपने कोई वजन उठाया था, कुछ किया? नहीं सर, इस चीज का नहीं पता चला सर कैसे स्टार्ट हुआ। तो आप डॉक्टर के पास गए? हाँ जी। तो उन्होंने मतलब कोई डायग्नोसिस बनाया या सिंपल ट्रीटमेंट किया? नहीं सर, इंजेक्शन दिए थे और फिजियो बताई थी 15 दिन का बेड रेस्ट जी सर। उसके बाद सर जैसे ये टांग में दर्द आना कब शुरू हुआ? ये सर मेरे को 4 महीने से प्रॉपर टांग। उससे पहले कभी टांग में दर्द नहीं था? हड़का हड़का इधर हिप में रहता था सर। नीचे नहीं था? लेकिन नीचे नहीं था सर। तो 4 साल से ये आपने बीच में इलाज छोड़ दिया था या कंटिन्यू कर रहे थे फिजियोथेरेपी वगैरह? फिजियोथेरेपी हर साल लेनी पड़ती थी सर, लेके दवाई लेके काम चल रहा था। अब ज्यादा दिक्कत हो रही सितम्बर से सर। तो अब की बार पैर में दर्द शुरू हो? अब की बार जैसे फिजियो कराई तो बढ़ता चला गया सर दर्द। जैसे जैसे फिजियो कराई, देसी इलाज, यूनानी, आयुर्वेद सारे इलाज कराते सर, बढ़ता चला। पर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गए? हाँ जी। या नहीं गए? गए थे सर। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बोला था कि बेटा आप कितना चल सकते हो। मैंने कहा सर पेन किलर लेके मैं चल सकती हूँ। ठीक है। या फिर रिपोर्ट बता रही कि आपकी सर्जरी होगी जी, बट आप चल रहे हो तो थोड़ी सी कोशिश करो, 1-1.5 महीना इलाज लो, बेड रेस्ट करो। झुकने का प्रेस दिया था सर जी, बट मेरा राम नहीं हुआ सर। ठीक है। दवाइयों से है ना अल्सर और तेजाब से किसी एसिडिटी हो गया जी। तो इस टाइम अगर आप चलना चाहो बिना दवाई के तो कितना चल सकते हैं? 100 मीटर तक। सिर्फ दर्द है या पैर सुन भी होता है? मेरा सर झुनझुनाहट ज्यादा, रात को भी और दिन में लेटे हुए भी दिक्कत? हाँ जी, क्योंकि पैर ये ऐसे वाइब्रेशन आ सर पैर। और लेफ्ट साइड में कोई लेफ्ट में भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा सर। लेफ्ट में कब से? लेफ्ट में भी आप 15-20 दिन से हल्की हल्की झुनझुनाहट और पेटी में दर्द। यूरिन में कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं। और कोई फीवर भी नहीं? नहीं। और राइट, तो ये एक जो केस की हिस्ट्री होती है इसी तरह से पेशेंट आते हैं, इनको कुछ सालों से दिक्कत होती है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कराते हैं। सर्जरी बहुत लेट होती है, उसके 2 कारण होते हैं। एक तो जब इनिशियली पेशेंट को पेन होता है तो हम कभी भी सर्जरी एडवाइज नहीं करते हैं, और जिन डॉक्टर्स ने भी इनका इलाज किया बिल्कुल ठीक तरीके से किया है, उन्होंने सर्जरी के लिए जल्दी नहीं की है। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पेशेंट का बिना सर्जरी के भी इलाज हो जाए, लेकिन जब तकलीफ इतनी बढ़ जाती है, जैसे 4 महीने से कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली बेड पे हैं, तो तभी जाकर हम सर्जरी के बारे में सोचते हैं। कई बार पेशेंट डेस्पिरेट हो जाते हैं और उनको लगता है कि शायद एलोपैथिक में ट्रीटमेंट नहीं है, तो फिर वो दूसरी ब्रांचेज आयुर्वेदिक यूनानी जैसे इन्होंने भी कराया है, कुछ लोग मालिश कराते हैं और बहुत सारे तरह के ट्रीटमेंट बैकएक के लिए, स्लिप डिस्क के लिए कराए जाते हैं जो सुमन जी ने कराया। लेकिन अब तकलीफ इतनी बढ़ गई है कि दूसरे पैर में भी दर्द आना शुरू हो गया है, तो अब हमें सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। और वो यहाँ सिर्फ इसलिए है कि हम एंडोस्कोपिक टेक्निक से सर्जरी कर रहे हैं जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, सुमन जी को भी पता है, इन्होंने भी देखा है सुना है कि एंडोस्कोपिक टेक्निक आज की डेट में स्पाइन सर्जरी के लिए बेस्ट टेक्निक है। इनकी सिस्टर, इनके हस्बैंड भी साथ में हैं। परिवार में जब किसी का भी स्पाइन सर्जरी का ऑपरेशन होता है तो मन में एक बड़ा डर होता है, मानते हैं? क्या क्या डर है आपके मन में? सर कभी इनका जैसे भाई दस कोई ब्लॉक कुछ हो जाए, पैरालिसिस वगैरह हो जाए, साइड इफेक्ट के उसके बारे में, इसके रिजल्ट के बारे में सोचने के बाद कि अच्छा रिजल्ट है, कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, ज्यादा परेशानी नहीं रहती, इस वजह से आपके पास आए। सुमन जी आप जैसे हाउसवाइफ हैं तो घर में सारे काम करने पड़ते हैं, किचन में सारा, बच्चों का सब देखना पड़ता है, तो आप इस सर्जरी के बाद क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैं नॉर्मल हो जाऊंगी सर, विश्वास है सर। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि हमारे पेशेंट बिल्कुल यकीन के साथ आते हैं। इसमें सिर्फ यही है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बाद 6 हफ्ते तक, 1.5 महीने तक हम कोई वजन उठाने की या झुक के कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने अलाउ नहीं करते हैं,
ताकि टिश्यूज की हीलिंग प्रॉपर हो जाए, मसल्स में स्ट्रेंथ आ जाए। सर्जरी के थोड़े दिन के बाद ही हम कुछ एक्सरसाइज इनकी शुरू कराएंगे ताकि मसल्स स्ट्रांग हो जाएं। होता क्या कि जैसे 4 महीने से बैठते हैं तो इनकी जो स्पाइन की मसल्स हैं वो वीक हो गई है, और जैसे ही पेन खत्म होता है तो पेशेंट को लगता है मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया हूँ, और वो 10-15 दिन के बाद जैसे ही काम शुरू करते हैं तो कमर में दर्द हो जाता है। तो हमने ये गलती नहीं करनी है, हमने सर्जरी के बाद अपनी बॉडी को टाइम देना है हीलिंग का और अपनी मसल्स को स्ट्रांग करना है, उसके बाद काम शुरू करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो आपकी सर्जन के साथ ट्यूनिंग है बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको हमेशा लगेगा कि सर्जरी का वो रिजल्ट नहीं आया जो हम उम्मीद लेके आए। कोई और सवाल पूछना चाहते हैं सर जी? जैसे मेरी और नस ये तो एक तभी हुई है, ये डाउट है सर, वो भी इस तरह बढ़ जाए किसी या फिर दोबारा ये दिक्कत आ जाए सर? ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, सारे पेशेंट हमसे यही पूछते हैं कि दोबारा होने के चांस कितने हैं। तो हम आपको बताते भी रहते हैं, मैं फिर रिपीट करता हूँ उस बात को कि 10% चांसेस होते हैं कि इस डिस्क में दोबारा दिक्कत आ सकती है। और बॉडी में बहुत सारी डिस्क हैं, 30-31 डिस्क हैं, उनमें किसी में भी परेशानी आ सकती है, उस चीज़ को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। बट एट प्रेजेंट इनका MRI देख के हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको किसी और डिस्क में प्रॉब्लम आएगी। एडिशनली एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जैसे लेफ्ट साइड में भी दिक्कत आनी शुरू हो गई है, तो जब हम इनकी सर्जरी करेंगे तो हम मेक श्योर करेंगे कि लेफ्ट साइड का भी हम साथ में नर्व को डीकम्प्रेस कर दें, क्लीन कर दें, ताकि आने वाले वक्त में कम से कम इस डिस्क की वजह से राइट या लेफ्ट में कोई दिक्कत ना आए। ये बिल्कुल सही स्टेज पर हमारे पास आए हैं, इनका फुट ड्रॉप नहीं है, मसल पावर अच्छी है, हालांकि एंकल जर्क एब्सेंट हो चुका है लेकिन विद इन वीक्स वो वापस आ जाएगा। पेशेंट को उसका नहीं पता होता पर हमें पता होता है कि वो एंकल जर्क एक टेस्ट होता है जैसे SLR टेस्ट होता है, उसमें कुछ हफ्ते लगते हैं तकरीबन। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, सब अच्छा होगा, और इतने विश्वास से आप आए हैं तो हम उससे ज्यादा मेहनत करेंगे। ताकि सर एक दो बात कहने चाह रही, जिस डॉक्टर के पास आना चाह रही थी उस डॉक्टर के पास मेरे हस्बैंड मेरी सिस्टर मेरे को लेके आए। इनके किसी भी बीमारी में फैमिली सपोर्ट सबसे, आपकी सिस्टर साथ में आई है, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ चीज को। ये बहुत दूर से गवाना से आई है सर, मेरे हस्बैंड को मैंने एक बार बोला था कि सर्जरी कराऊंगी तो इन्हीं डॉक्टर से, बस सर ऐसा ऑर्डर निकल गया मन के अंदर से कि क्या होगा साइड इफेक्ट कितने होते हैं इस वजह से। मैंने आपका नाम नहीं पूछा। मेरा नाम मंजू है। मंजू जी ये चीज बहुत बड़ी है कि एक लेडी की जो परिवार में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप भी अपना परिवार छोड़ के आए हैं, तो इसका मतलब हम अपने फैमिली मेंबर के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस परिवार के साथ आज हम जुड़े हैं और मुझे उम्मीद है कि हम सालों साल जुड़े रहेंगे, लेकिन एक हैप्पी नोट पे जुड़े रहेंगे कि आप ठीक हो जाएंगे और हमें याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। दो तीन चक्कर लगाओ, जब दर्द हो तो फिर यहाँ तक आना मेरे पास। सिर्फ इतने हिस्से तो नीचे पूरे पैर में दो दिनांक से एक चक्कर लगा। अब पेन है? हाँ जी, मेरे फुट में ज़्यादा और एंकल में। सुमन का MRI है L3, L4, L5, S1। L4-5 की डिस्क बिल्कुल क्लियर है कि बहुत ज़्यादा बाहर आ गई है, नॉर्मल डिस्क ये होती है। ये स्पाइनल कॉर्ड है जो ब्लैक कलर की नर्व्स हैं जो लेग्स में जाती हैं। नॉर्मली डिस्क और नर्व्स के बीच में काफ़ी गैप होता है, लेकिन यहाँ ये डिस्क पूरा बाहर आ गई है और इसने नर्व्स को पूरा प्रेस कर दिया है बोन के अगेंस्ट। इसी वजह से पेशेंट को शूटिंग पेन है लेग में और वो चल नहीं पा रहे अच्छे से, लेकिन उनको पेन सिर्फ एक साइड में है, दूसरी लेग में पेन नहीं है। तो वो अभी हम देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये इनका एक नॉर्मल डिस्क हम दिखा रहे हैं। पहले ये जो राउंड स्ट्रक्चर है ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये राइट और लेफ्ट में नर्व्स जा रही हैं हमारी,
ये नॉर्मल है तो इसलिए यहाँ रास्ता खुला हुआ है। लेकिन अब L4-5 में अगर देखें, L4-5 में ये डिस्क है और ये राइट साइड का जो रास्ता था वो डिस्क के बाहर आने से, ये पूरी डिस्क बाहर आ गई है तो ये रास्ता बंद हो गया है। लेफ्ट साइड में रास्ता खुला हुआ है इसलिए पेशेंट को लेफ्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट का जो फोरामेन है ये हमें खोलना है एंडोस्कोपिकली। ये देखिए नर्व्स पूरी यहाँ स्क्वीज हो गई हैं, तो जैसे ही हम डिस्क को हटाएंगे तो इन नर्व्स को पूरा स्पेस मिलेगा और जो ये नर्व रूट है राइट साइड वाली ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी और सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा, फिर पेशेंट आराम से चल सकता है। वापस जाइए, यहीं से आपने टर्न करना है। हाँ जी, आपका पेन चला गया पहले वाला ना? हाँ जी। ठीक है, अभी कोई पेन आपको? हल्का सा लगा है इस साइड में। हल्का सा है, ठीक है, जाइए। तीन चार बार अच्छे से चलवा। तो आज सुमन के 15 दिन हो गए हैं सर्जरी पे, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली चल रही है। तो एक तरह से पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है पेशेंट की जब दर्द ठीक हो जाता है। और अब ये 1 किलोमीटर तक वॉक भी कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ सो दैट इज हाउ कंफर्टेबल द पेशेंट्स आर आफ्टर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। ओपन सर्जरी में इतने दिन के बाद भी पेशेंट रिलक्टेंट रहते हैं, उनको पेन रहता है। सब घर के काम कर पा रहे हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। ठीक है, ठीक है। तो सुमन और कृष्ण आज हमारे पास 15 दिन के बाद आए हैं सर्जरी के फॉलोअप के लिए। और इनका क्या एक्सपीरियंस है सर्जरी से पहले, जो तकलीफ थी, जो डर था, और अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं, आप ही बताओ। सर्जरी से पहले सर मैं डेली रो के सोना कि मेरी सर्जरी होगी, पैरालिसिस हो जाऊंगी। हाँ। और ये सोच सोच के सर मेरे को बीपी ज्यादा रहता था। अच्छा। कि मेरी सर्जरी होगी और कहीं मेरे पैर ना हो जाए। हाँ। अब मेरे को आज 15 दिन हुए हैं सर, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। कितना चल पा रहे हैं? मैं सर 1 किलोमीटर की कल वॉक की है। अच्छा। सुमन जी ने कुछ बड़ी टिपिकल हमें डिफरेंट चीजें बताई हैं जो हम शेयर करना चाहते हैं। एक तो आपके दूसरे पैर में काफी तकलीफ बताई थी सर्जरी के तुरंत बाद, वो भी बताइए। अगले दिन दूसरे पैर में भी सर झुंझुनाट से स्टार्ट हुई थी। दर्द नहीं था, झुंझुनाट थी? हाँ जी, दर्द नहीं था। दर्द मेरा सर्जरी के तुरंत बाद खत्म हो गया था। ठीक है, ठीक है। फिर 1 हफ्ते के बाद सर इसमें भी दोबारा आ गया। ठीक है। फिर भी ड्रीम है। ठीक है। अगर अब इस हफ्ते में मैं बहुत जैसे जैसे वो की मेरा दर्द अपने आप मतलब वो झुंझुनाट भी कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया। अच्छा, एक आपने बताया कि बिल्कुल जहाँ टेल बोन होती है वहाँ आपको कुछ दर्द हुआ है वॉक करने के बाद? वॉक करने के बाद वहाँ दर्द ऐसा था, मतलब जहाँ ऑपरेशन वहाँ नहीं, जब हड्डी नीचे। तो ये छोटी छोटी चीजें हम इसलिए शेयर कर रहे हैं कि ये एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं कि पेशेंट जब सर्जरी कराता है, मान लो आपके किसी की स्पाइन सर्जरी हुई है, तो उसके इमिजिएटली बाद आपको कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं। उसके कई कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि जब हम अंदर काम करते हैं और नर्व्स को टच करते हैं तो कुछ नर्व सेंसिटिव हो जाती हैं, वो ये छोटी मोटी झंझनाहट, किसी को हल्का सा सुनपन, ये चीजें आपको कुछ टाइम के लिए टेम्परेरीली हो सकती हैं, ये परमानेंट चीजें नहीं है। और जब नसें बहुत टाइम तक दबी रहती हैं और जब हम अचानक उनको रिलीज करते हैं तो वो कई तरह से रिएक्ट करती हैं। कुछ पेशेंट्स को सर्जरी के बाद हल्का सा वीकनेस लगती है पैर में, किसी को जैसे इनको लगा है झंझनाहट होती है। और जो टेल बोन में जैसे पेन बता रही है, मेरा परसेप्शन ऐसा है कि ये कई महीने से आप बेड पे हैं, ज्यादा चल फिर नहीं रहे थे, तो उसकी वजह से मसल्स और बोन वीक हो जाती हैं। अब अचानक जैसे हम 1 किलोमीटर तक चले, अब कितने दिन के बाद 1 किलोमीटर चले? सर मैं 1 हफ्ते के बाद नहीं, लास्ट टाइम 1 किलोमीटर कब चले थे? तीन चार महीने। तो 3-4 महीने के बाद जैसे उन्होंने दोबारा से एक्सर्शन किया तो बॉडी यूज टू नहीं थी,
तो इसलिए अब हम इनका कैल्शियम, मल्टीविटामिन, विटामिन डी सब शुरू कर रहे हैं, और जैसे जैसे चलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, इनकी बॉडी नॉर्मल आ जाएगी। जैसे आपने बताया कि आपके फैमिली में भी कुछ पेशेंट हैं जिनको सिमिलर प्रॉब्लम है, वो भी डरे हुए हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो आपका वीडियो देखेंगे वो भी डरे हुए हैं, क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल भी सर्जरी से ना डरे, क्योंकि मैं जैसे डेली सर घुट घुट के भरी हूँ कि मेरी सर्जरी होगी, वो उन पेशेंट वो ना करें ऐसा। बिल्कुल, पेशेंट सालों के लिए बैठे हुए घर पे बैठे हैं। तो कृष्ण जी, आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल सेटिस्फाइड है। मतलब एक सर्जरी होता है और एक होता है हमारा हॉस्पिटल एज सच, हमारे सिस्टम में कोई कमी हो तो बताएं ताकि हम। जी, मैं भी इसे डर रहा था जी पहले। मैं इसे डर रहा था पहले, भाई मैं ये ना कराऊं सर्जरी, ऐसे ही ठीक हो जाए। कई बार देसी के पास भी गए भाई, उन्होंने भी झटके लगा के और नुकसान कर दिया। तो ये कहूंगा भाई, ये जो देसी है ना, ये ऐसे झटके ना मरवाए। साइंटिफिक काम, जियोलॉजिकल काम वो करना चाहिए। मतलब ये पहले कन्विंस नहीं थे? नहीं थे सर, ये उस दिन आए, उस दिन भी नहीं थे, क्योंकि मैंने अपनी बैंड को बुलाया कि मैं उसी दिन अपना ऑपरेशन कराऊंगी सर, ये नहीं थे सर। तो मुझे उम्मीद है कि जिस विश्वास से आप आए थे वो पूरा है, बिल्कुल ठीक हूँ सर। थैंक यू जी, थैंक यू, आपने सेवा का मौका दिया। थैंक यू, हमने कहा।